वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स का ब्रेन टीजर्स का सेकेंड पार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से। 1 से 3 हम लोग पहले किए थे वीडियो में। क्वेश्चन 4 है, विद द हेल्प ऑफ अ फिगर फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस इन अ प्लेन। तो मिनिमम क्या हो जाएगा अगर तीनों ही लाइंस पैरेलल है। मान लेते हैं फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, तीनों ही लाइन पैरेलल हुए तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 0। अब मैक्सिमम देखते हैं हम लोग 3 लाइन से। एक लाइन कुछ ऐसे है, दूसरा लाइन उसको इंटरसेक्ट किया हुआ है यहां पर, तीसरा लाइन ऐसा हो सकता है जो दोनों ही लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना हो गया, 1, 2 एंड 3। सो द आंसर विल बी 3। अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। बोला जा रहा राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बताना है। ए नंबर में बोला जा रहा है, टू लाइंस इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। टू लाइंस किसी प्लेन में क्या करेगा, हमेशा इंटरसेक्ट करेगा। तो टू लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पैरेलल भी हो सकता है। तो इंटरसेक्ट हमेशा करेगा ऐसा जरूरी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट वन इज फॉल्स, ए का फॉल्स। टू डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवेन पॉइंट्स। टू गिवेन पॉइंट से हम लोग टू डिफरेंट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ सी नंबर, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी, देन पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। टू लाइन्स एक पॉइंट पर कट करे जिसको हम लोग पी बोलेंगे, तो पी को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही है, ट्रू, दिस इज ट्रू। नाउ नंबर डी, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इज 1। यहां हम लोग देखे थे मिनिमम कितना है, 0 होता है, यहां बोला जा रहा है 1, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दिस इज ऑल्सो False. Next, E number, 3 lines which pass through the same point are called intersecting lines. ये भी false है। क्यों false है? क्योंकि 3 lines नहीं, 2 lines, 3 और more lines के लिए दूसरा नेम है। क्या नेम है उसके लिए नया है, concurrent। यहां बोला जा रहा है intersecting, इसलिए ये क्या हो गया, false हो गया। Now number F, Opposite sides of a blackboard represent parallel lines. तो ये true है। Opposite side किसी blackboard को किसको represent करता है, parallel lines को। जी नंबर, a globe has a curved surface. बिल्कुल सही है, curved surface होता है, true है। Points which lie on the same line are called non-collinear points. ये false है। एक line में जो भी पॉइंट्स लाई करेगा उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, या नॉन कोलिनियर बोला, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। द कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स अ, कॉर्नर क्या होगा, ट्रायंगल का कॉर्नर क्या होता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम लोग ब्लैंक में क्या भरेंगे, पॉइंट। नाउ नेक्स्ट नंबर, बी नंबर, द टेबल टॉप गिव्स एन आइडिया ऑफ अ डैश सरफेस। टेबल का टॉप जो है उसका सरफेस कैसा होता है, फ्लैट। वो किसके बारे में आइडिया देता है हम लोग को, प्लेन सरफेसेस के बारे में। तो यहां ब्लैंक में क्या भरेंगे, प्लेन सरफेस। सी नंबर, द प्लस साइन रिप्रेजेंट्स डैश लाइन सेगमेंट्स। प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग, काटने वाला, कट करने वाला एक पॉइंट पर। डी नंबर, अ डैश एक्सटेंड्स इंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस। सभी डायरेक्शंस में इंडलेसली एक्सटेंड करता है, कौन, प्लेन, पी एल ए एन ई।
नाउ ई एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ ब्रेन टीजर फिलअप द लाइंस ऑफ योर नोटबुक रिप्रेजेंट डैश लाइंस। आपके नोटबुक के लाइंस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।